हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर सेकेंड, दैट इज मैटर राउंड अस प्योर। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने लगे डिफरेंट टाइप ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स। ठीक है, कि डिफरेंट टाइप के जो कंपोनेंट्स हैं एक मिक्सचर के अंदर, उनको किस किस तरीके से क्या हम अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज्ड टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर। इंडिविजुअल मतलब अकेला या सिंगल। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेथड यूज किए जाते हैं कि कोई भी हम मिक्सचर के अंदर से एक एक जो कंपोनेंट है उनको अलग कर सके। हेटरोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। ठीक है, हेटरोजीनियस जो मिक्सचर है उसके अंदर से क्या है, सिंपल तरीके से, सिंपल फिजिकल मेथड से क्या है, हम सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। जैसे कि हैंड पिकिंग मतलब हाथ से ऐसे चुनके, सीविंग छान के, या फिल्टर करके, या फिल्ट्रेशन मेथड से। ठीक है, जो नेक्स्ट टाइप के आपके अलग अलग मेथड हैं वो कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट इज ऑब्टेनिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम द ब्लू और ब्लैक इंक। ठीक है, कोई इंक है और उसके अंदर कुछ कलर्ड कंपोनेंट प्रेजेंट है, तो उसको कैसे हम अलग करेंगे। देखो, इसके लिए जो प्रोसेस यूज होता है दैट इज इवेपोरेशन। ठीक है, आपको ये जो प्रोसेस का नाम है ये आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, बाकी प्रोसेस आप अच्छे से समझ लीजिए सिर्फ इसके अंदर होता कैसे। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। इज यूज टू ऑब्टेन कलर्ड कॉम्पोनेंट फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज यूज टू सेपरेट अ सब्सटेंस विच इज डिजॉल्व्ड इन वॉटर। ठीक है, इवेपोरेशन से कोई ऐसा सब्सटेंस है वो सेपरेट हो सकता है जो कि वॉटर के अंदर डिजोल्व है। ठीक है, तो जो इंक है ये क्या है, वाटर के अंदर ही डिजोल्व है, इसलिए क्या है वो इवेपोरेशन से सेपरेट हो जाएंगे। कैसे, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड वेपर्स वेपराइजेस इजिली देन द सॉलिड। ठीक है, जो ये आपका इवेपोरेशन जो प्रोसेस है ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये कहता है कि जो लिक्विड पोर्शन है वो जल्दी क्या हो जाता है, वेपराइज हो जाएंगे, भाप बन के क्या है, उड़ जाएंगे एज कंपेयर टू द सॉलिड। ठीक है, हेल्प्स इन सेपरेटिंग द वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। ठीक है, ये किस चीज को, वोलेटाइल मतलब सोल्यूबल सब्सटेंस को इन सोल्यूबल सब्सटेंस से क्या है अलग करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो अब कौन कौन से स्टेप है हमारे, कैसे किस तरीके से हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। फर्स्ट है फिल हाफ अ बीकर विथ वॉटर, एक बीकर लेना है उसको आधा क्या है पानी से भर देना है। पुट अ वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर। ठीक है, बीकर के माउथ के ऊपर क्या है, एक वॉच ग्लास है वो रख देनी है। नेक्स्ट है पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। वॉच ग्लास के ऊपर क्या है, कुछ ड्रॉप है वो जो शाही की इंक की वो डालनी है। ठीक है, नीचे इसके क्या है, बीकर हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब हीट होना स्टार्ट हो जाएगी तो क्या होगा, उसके अंदर इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन के अंदर क्या है, वॉटर है वो उड़ जाएगा और जो इंक है वो वहीं पे रह जाएगी। ठीक है, तो ये मेथड यूज होता है टू सेपरेट द इंक। ठीक है, नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। अब बीकर को हीट करना स्टार्ट करना है। वी डू नॉट वॉन्ट टू हीट द इंक डायरेक्टली, क्योंकि हम इंक को क्या है डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते। यू विल ऑब्जर्व द इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास। आप वॉच ग्लास से क्या देखोगे, वहां पे क्या इवेपोरेशन स्टार्ट हो चुका है। आगे क्या है, कॉन्टिन्यूस हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन। जैसे जैसे हम कॉन्टिन्यू हीट करते रहेंगे तो वैसे वैसे क्या इवेपोरेशन होता रहेगा। एंड स्टॉप हीटिंग वेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन द वॉच ग्लास। ठीक है, और तब उसको हीट करना, बीकर को बंद कर दो जब आपको क्या है वॉच ग्लास के अंदर आप कोई और चेंजेस होते हुए नहीं दिख रहे। अब चेंजेस नहीं हो रहे मतलब जो वॉच ग्लास के ऊपर जो मेटीरियल बचा हुआ है वो क्या है, आपका जो कलर्ड कंपाउंड है वो। ठीक है, और जो वॉटर था वो सब क्या है, इवेपोरेट हो चुका है। ठीक है, ये फर्स्ट मेथड था। सेकेंड तरीका है आपका, नेक्स्ट जो सब्सटेंस है कैसे किसको कैसे सेपरेट करेंगे, तो सेकंड हमारे सब्सटेंस है मिल्क के अंदर से क्रीम। ठीक है, दूध के अंदर से जो आपकी क्रीम है, मक्खन है, वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इस चीज के लिए कौन सा मेथड यूज होता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि मेथड का नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको। द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज यूज टू सेपरेट द क्रीम फ्रॉम मिल्क। इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के अंदर से जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनको क्या है अलग करने का जो तरीका होता है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय द मशीन कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूज। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है ये एक मशीन में होता है, उस मशीन को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। ठीक है, ये वर्क कैसे करते हैं, समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल इन अ लिक्विड इज वेरी स्मॉल एंड पासिस थ्रू अ फिल्टर पेपर। ठीक है, कई बार क्या होता है कोई लिक्विड के अंदर सॉलिड पार्टिकल
होते हैं जो इतने छोटे होते हैं कि फिल्टर पेपर से क्या पास हो जाएंगे। फॉर सच पार्टिकल्स अ फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज, और इस टाइप के पार्टिकल्स के लिए क्या हम फिल्ट्रेशन टेक्निक यूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं, द मिक्सचर इज रोटेटेड रैपिडली, ठीक है, जल्दी जल्दी क्या है मिक्सचर को रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, सो दैट द हैवियर पार्टिकल इन द मिक्सचर सेटल डाउन टू द बॉटम, के जो हैवियर पार्टिकल्स है, जो भारी पार्टिकल है वो क्या है बॉटम के अंदर नीचे क्या है बैठ जाए। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन इज दैट द डेंसर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम, कि जो हैवी पार्टिकल है, जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो पार्टिकल के नीचे बैठ जाएंगे, एंड द लिक्विड बीइंग लाइटर रिमेन एट द टॉप, और लिक्विड क्या है हल्का है, लाइट है डेंसिटी में, तो इसलिए क्या है वो टॉप पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है प्रोसेस के लिए कौन कौन से स्टेप है, फर्स्ट इज टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर क्या है फुल क्रीम मिल्क डालना है, मतलब ऐसे नहीं कि दूध को उबाल लिया आपने फिर उसकी मलाई अलग कर दी उसके बाद हम कह रहे हैं कि इस दूध से हम अब क्रीम निकाल के दिखाते, तो ऐसे नहीं लेना, दूध को क्या है फुल क्रीम मिल्क लेना है। उसके बाद उसको करना है सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट के लिए क्या करना है उसको फिर सेंट्रीफ्यूज करना है, जिससे क्या होगा जो हैवियर पार्टिकल्स हैं, जो क्रीम है वो तो बॉटम पे सेट डाउन हो जाएगा, और जो लाइटर पार्टिकल हैं, जो मिल्क टाइप सब्सटेंस बचेगा वो क्या है ऊपर आ जाएगा, और उन दोनों को हम क्या है अलग तरीके से डिफरेंट अलग अलग बर्तन के अंदर क्या हम उनको कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कुछ एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन की क्या एप्लीकेशन होती है, क्या यूजेस होते हैं। फर्स्ट किस लिए यूज होता है, यूज इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट के लिए यूज होता है, डेयरीज के अंदर यूज करते हैं, या होम के अंदर भी सेपरेट करने के लिए बटर फ्रॉम क्रीम, ठीक है, और वॉशिंग मशीन के अंदर भी जब हम गीले पानी जो जो आपके गीले कपड़े हैं उसमें से जब पानी निकालते हैं तो उस टाइम भी क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का ही यूज होता है, ठीक है। ये सब थी एप्लीकेशन आपकी सेंट्रीफ्यूगेशन की। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेपरेटिंग टू इमिसिबल लिक्विड, ठीक है, दो ऐसे लिक्विड है जो एक दूसरे के अंदर क्या है घुल नहीं सकते, उन दोनों को क्या एक दूसरे के साथ कैसे बाहर निकालना है। तो देखो, द सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इज कैरिड आउट बाय द यूज ऑफ फनल, ठीक है, कौन बना के क्या है उसको निकाल सकते हैं, कैसे, द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व इज द डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज ऑफ टू लिक्विड फ्रॉम द टू सेपरेट लेयर्स, ठीक है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे, कि जो आपकी दो लिक्विड हैं उन दोनों की क्या है डेंसिटी अलग अलग है, डेंसिटी अलग अलग है तो क्या है वो दो सेपरेट लेयर्स बना लेंगी, ठीक है, इसी कारण क्या हम उनको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे स्टेप्स ऑफ सेपरेटिंग केरोसिन ऑयल एंड वॉटर, मिट्टी का तेल और पानी को हम क्या है कैसे अलग करेंगे। देखो, पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वॉटर इन अ सेपरेटिंग फनल, ठीक है, एक सेपरेटिंग फनल के अंदर इन दोनों का जो मिक्सचर है उसको पोर कर देंगे, पोर मतलब डालना, ठीक है, लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए क्या हम उसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे, सो दैट द सेपरेट लेयर ऑफ ऑयल एंड वॉटर आर फॉर्म, ताकि वहां पे क्या है अलग अलग लेयर बन जाए एक केरोसिन ऑयल की और एक वॉटर की। नाउ ओपन द स्टॉप क्लॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल, उसके बाद क्या है स्टॉप क्लॉक को ओपन कर देंगे, एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ वॉटर केयरफुली, फिर जो नीचे लेयर है वॉटर के उसको क्या है बाहर निकाल लेंगे आराम से, फिर उसको क्या है क्लोज द स्टॉप क्लॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीचेज द स्टॉप क्लॉक, जैसे ही क्या है वहां वॉटर हम आराम से धीरे 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 करके बाहर निकाल रहे हैं, जब वहां पे ऑयल पहुंचने वाला तब क्या है वो बाहर निकालना बंद कर दो, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम आएगा जिसके अंदर क्या है उसके अंदर वॉटर हम सारा बाहर निकाल चुके होंगे, और जो आपके फनल है उसके अंदर सिर्फ क्या बचेगा केरोसिन ऑयल। तो इस तरीके से क्या है हम दो इमिसिबल जो लिक्विड है, जो दो इनसॉल्युबल लिक्विड है, एक दूसरे के अंदर बिल्कुल भी घुल नहीं सकते, उनको हम क्या इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ फनल, अब फनल है वो और भी कहीं पे यूज होते हैं, कैसे, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वॉटर, ऑयल और वॉटर के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए यूज होती है, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन के जो ओर है उससे आयरन को निकालने के लिए, तो उसमें क्या होता है द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ द फर्नेस, फर्नेस का मतलब होता है भट्टी, ठीक है। जब हम जो आपका आयरन है उसको गर्म करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा कि जो मोल्टन आयरन है, जो पिंगला हुआ आयरन है, वो कहाँ रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, और जो सॉलिड टाइप का जो पार्टिकल्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे ऊपर सेटल डाउन हो जाएंगे। तो फर्नेस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो दो जो आपकी सब्सटेंस है उसको क्या कर सकते हैं हम रिमूव कर सकते हैं, जो लाइटर स्लैग है वो कहाँ रह जाएगा टॉप पे रह जाएगा, और मोल्टन जो हैवी आयरन है वो क्या है बॉटम पे बैठ जाएगा फर्नेस के,
ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सब्लिमेशन मेथड। सब्लिमेशन क्या होता है? दिस प्रोसेस इज यूज टू सेपरेट द मिक्सचर दैट कंटेन अ सब्लिमेबल वोलेटाइल कॉम्पोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी। ठीक है, इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, एक जो सब्सटेंस है, एक जो कॉम्पोनेंट है, वो क्या है, सब्लिमेबल वोलेटाइल कंपाउंड है, ठीक है, कि जो घुलनशील है, और दूसरा क्या है, अघुलनशील है, नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, इम्प्योरिटीज है। तो अब इम्प्योरिटीज को क्या है, उस सब्सटेंस से अलग करना है, उस मेथड के लिए क्या यूज करेंगे, सब्लिमेशन जो प्रोसेस है वो यूज होता है। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस वेयर अ सब्सटेंस डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। ठीक है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली चेंज हो जाता है गैसियस स्टेट में जब हम उसको हीट करते हैं तब। ठीक है, जैसे कि कपूर होता है, घर पे कपूर को हम जलाएंगे तो क्या है, वो चीज क्या है, एक सॉलिड है वैसे तो, बट हम उसको अगर हीट करेंगे, बर्न करेंगे, तो किसमें चेंज हो जाती है, वेपर्स के अंदर गैस बन जाती है। ठीक है, वही सेम है अमोनियम क्लोराइड, कैम्पर, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन आर द सम एग्जाम्पल विच आर सब सब्लिमाइन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटोग्राफी क्यों यूज करते हैं, यूज टू सेपरेट दो सॉल्यूट विच डिजोल्व इन द सेम सॉल्वेंट। ठीक है, अब एक ही सॉल्वेंट के अंदर क्या है, अलग अलग टाइप के दो सॉल्यूट है, वो कंप्लीटली डिजोल्व हो चुके हैं, तो उनको कैसे अलग करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, यूज टू सेपरेट कलर्स, कलर्स भी क्या है, इसी तरीके से सेपरेट हो सकते हैं। द कलर्स विच आर मोर सॉल्युबल इन वॉटर राइजेस फास्ट एंड गेट कलर विच सेपरेटेड इंटू लेयर्स। ठीक है, जो कलर्स हैं वो ज्यादा सॉल्युबल है वाटर के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, और जो कम उसके अंदर सॉल्युबल हो रहा है वाटर के अंदर, वो क्या नीचे लेयर्स के अंदर सेपरेट हो जाएंगे। तो ये मेथड यूज होता है इन द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स। ठीक है, और क्या एप्लीकेशन हो सकती है इसकी, टू सेपरेट कलर्स इन अ डाई, एक डाई के अंदर कलर को सेपरेट करने के लिए, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर, नेचुरल जो कलर है उसके अंदर से क्या पिगमेंट को रिमूव करने के लिए, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, किसी के खून के अंदर ही अगर ड्रग्स हो जाएं तो उसको क्या है सेपरेट करने के लिए, यही क्रोमेटोग्राफी जो मेथड है यही यूज होता है। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टिलेशन। ठीक है, डिस्टिलेशन क्या होता है, यूज फॉर सेपरेटिंग ऑफ कंपाउंड्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग टू मिसिबल लिक्विड दैट बॉइल विदाउट डिकम्पोजिशन एंड हैव सफिशियंट डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो कोई दो सब्सटेंसेस जो क्या है मिसिबल है, मिसिबल लिक्विड है मतलब एक दूसरे के साथ घुलनशील तो है बट बॉयल हो जाते हैं बिना डिकम्पोजिशन के, और उनके बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी क्या है सफिशियंट डिफरेंस है। इस टाइप के जो सब्सटेंस है उनको सेपरेट करने के लिए क्या करते हैं, डिस्टिलेशन यूज करते हैं। मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वॉटर इज सेपरेटेड बाय दिस मेथड। ठीक है, एसीटोन और वॉटर का जो मिक्सचर है वो इसी तरीके से क्या हम सेपरेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 K। ठीक है, 25 केल्विन से कम अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है तो उसके लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड को यूज करेंगे। ठीक है, एयर इज अ होमोजेनस मिक्सचर हमें पता है एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। से क्या है, एयर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो सब क्या है अलग अलग हो सकते हैं। एयर इज कंप्रेस्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। अब होता कैसे है, एयर को इतना कंप्रेस करेंगे उसके ऊपर प्रेशर क्या बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देंगे एंड देन कूल्ड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर टू गेट द लिक्विड एयर। ठीक है, और उसको फिर उसके बाद उसके अंदर क्या कर देंगे, बहुत ज्यादा उसको कूल कर देंगे। कैसे कूल कैसे करेंगे, उसके टेम्परेचर को कम कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो उससे हमें क्या है लिक्विड एयर है वो मिल जाएगी। अब उसके बाद क्या है, लिक्विड एयर इज वार्म अप स्लोली, फिर धीरे धीरे लिक्विड एयर को क्या करेंगे गर्म करेंगे इन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ठीक है, वेयर गैसेज गेट सेपरेटेड एट द डिफरेंट हाइट, वहां पे जो गैसेज है वो अलग अलग हाइट के ऊपर क्या है सेपरेट हो जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, उनके बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिपेंड करते हैं वो क्या है, डिफरेंट टाइप के जो गैसेज हैं वो अलग अलग हाइट पे क्या है सेपरेट हो जाएंगी फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर। नेक्स्ट, इट इज यूज टू सेपरेट अ गैस फ्रॉम द एयर। ये क्या है, एयर के अंदर से डिफरेंट टाइप के गैसेज को सेपरेट करने के लिए भी यूज होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टॉपिक दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। इसके अंदर क्या है, सिर्फ क्रिस्टल्स बन जाएंगे, क्रिस्टल होते हैं जैसे आपके चीनी का दाना होता है, इस टाइप के क्या होते हैं क्रिस्टल्स होते हैं छोटे छोटे। यूज टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द सॉलिड एंड प्योरीफाई इट। इस मेथड को यूज क्यों करते हैं कि सॉलिड के अंदर जो इम्प्योरिटीज हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, उनको बाहर निकालना है और उसको क्या करना है प्योर करना है। इट सेपरेट अ प्योर सॉलिड फ्रॉम मिक्सचर इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। और जो प्योर सॉलिड बनता है वो किसके फॉर्म में सेपरेट होता है, क्रिस्टल के फॉर्म में। दिस प्रोसेस इज यूज इन प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वॉटर
सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम अलम फ्रॉम इम्प्योर सैंपल, ठीक है। जैसे समुद्र से हम बहुत सारा पानी इकट्ठा ले आते हैं और उसके अंदर से क्या हमें नमक अलग करना है, तो इसके लिए क्या सी वाटर के अंदर तो बहुत सारे इम्प्योरिटीज हैं, तो कौन सा मेथड यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज करते हैं टू गेट प्योरिफाइड सॉल्ट, ठीक है। और क्या है, अलम के अंदर भी क्या है, क्रिस्टल्स बनते हैं उसके किसके कारण, इम्प्योर सैंपल में से भी, ठीक है, उसके अंदर भी क्या सेम प्रोसेस यूज होता है। नेक्स्ट, इट इज बेटर मेथड देन इवेपोरेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन मेथड है वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू इवेपोरेशन, बिकॉज सॉलिड डीकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट चार्ड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस, ठीक है। कि कई हमने देखा था पहले स्टार्टिंग में जब इवेपोरेशन देखा था, तो इवेपोरेशन में क्या कर रहे हैं, हम सब्सटेंस को नीचे से हीट करते रहते हैं, ठीक है। तो सेम चीज इसके अंदर है कि हम गुड़ को लें या चीनी को लें, हम क्या उसको गर्म करते रहे करते रहे करते रहे, तो क्या हो जाता है, वो नीचे जम जाता है ना। तो उसके अंदर क्या, हमें प्योर तो मिल जाएगा बट इसके अंदर वो यूजफुल फॉर्म में नहीं रहेगा, इसलिए क्या है, इवेपोरेशन की जगह पे क्रिस्टलाइजेशन मेथड है वो यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सम इम्प्योरिटीज में रिमेन डिजोल्व इन द सॉल्यूशन, और क्या है, कुछ इम्प्योरिटी अभी भी डिजोल्व रह सकती है सॉल्यूशन में इवन आफ्टर फिल्ट्रेशन के बाद भी। ऑन इवेपोरेशन दिस कंटेमिनेट द सॉलिड, और इवेपोरेट होने के बाद ये क्या है, सॉलिड को कंटेमिनेट कर सकती है, सॉलिड को क्या है, खराब कर सकती। दैट्स ऑल फॉर टूडे, आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट। इफ यू एंजॉयड द वीडियो देन लाइक इट, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू ड्रीम नॉलेज for more fresh content. Thank you.